समाहरणालय कार्यालय में हाल ही में सड़क सुरक्षा समिति को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें बैठक में अतिक्रमण को लेकर मुद्दा छाया रहा, जिसके बाद नगर निगम के द्वारा रणधीर वर्मा चौक से लेकर पुलिस लाइन तक पहले फेज में अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, ताकि सड़क चौड़ीकरण हो तथा यातायात सुचारू रूप से आवागमन हो। नगर निगम के अधिकारी मोहम्मद अनीस ने मीडिया को बताया कि अभी हाल ही में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुख रूप से छाया रहा। दिन प्रतिदिन लोग सड़क पर धीरे धीरे अतिक्रमण कर सड़क को छोटा कर दे रहे हैं, जिस वजह से अक्सर नागरिकों का जाम तथा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस दरमियान नगर निगम की टीम के द्वारा आज पहले फेज में रणधीर वर्मा चौक से लेकर पुलिस लाइन तक अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, और इसके बाद दूसरे फेज में सराय ढाला से लेकर बिग बाजार तक अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अतिक्रमण करने से आवागमन तथा जाम की समस्या बनी रहती है, इसलिए सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि सड़क किनारे किसी भी तरह का अतिक्रमण ना लगाएं। अभियान चला रहे आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुख रूप से जो है प्रत्येक महीना छाया रहता है कि दिन प्रतिदिन जो है लोग सड़क का अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को चलने में या उनको पार्किंग की काफ़ी समस्याएं हो रही है। इसे ही ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने यह ड्राइव फिर से शुरू किया है, और आम जनता से भी जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश होगी कि रोड का या पाथवे का जो है कम से कम अतिक्रमण ना करें। कहाँ से कहाँ तक अभियान चल रहा है? अभी ये रणधीर वर्मा चौक से पुलिस लाइन तक ये फर्स्ट चरण का अभी जो है अभियान चलेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट चरण में हम लोग दूसरे रूट पे हमारा फ्राई डेला वाला एरिया जो है उस पर रूट पे हम लोग चलाएंगे अतिक्रमण।